नमस्कार दोस्तों, होप आप सब लोग बिल्कुल सेफ हैं अपने घरों के अंदर। और जब से कोरोना वायरस आया, हम घुमक्कड़ लोगों को बड़ी तकलीफ होने लगी है। हम बाहर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, तो हमारे सारे ट्रैवल प्लान्स धरे के धरे रह गए हैं। पर हमारे प्लान्स ज़रूर रुक गए हैं, पर हमारी प्लानिंग नहीं रुकी है। हम कहीं ना कहीं जाने का ज़रूर प्लान कर रहे हैं कि इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद में या जब भी सेफ होगा, हम कब जा पाएंगे या कैसे जा पाएंगे। और जब हम ट्रैवल प्लानिंग की बात करते हैं, तो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है हमारी ट्रैवल के सामान की, हम जो पैकिंग करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम फ्लाइट से जा रहे हों या हम अपनी गाड़ी से जा रहे हों, जो भी मूड हो हमारे जाने का, बट देन हम हमेशा चाहते हैं कि कम से कम सामान के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी हम पैक कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले पाएँ। मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत होती थी कि किस तरीके से मैं इसको मैनेज करूँ, किस तरीके से सामान लेकर के जाऊँ। मेरे साथ में यूजुअली मेरी फैमिली भी ट्रैवल करती है, जिसमें दो छोटे छोटे बच्चे हैं, सो उनके साथ में इतना लगेज हो जाता था। सो हाउ डू आई मैनेज ऑल ऑफ दैट। सो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 8 वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, और यकीन मानिए मुझे उससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई टिप हो जो आपको लगता है कि मैंने मिस कर दी है, पर वो एक बहुत अच्छी ट्रैवल या पैकिंग टिप है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल सकते हैं। और आपको इन टिप्स के बारे में क्या लगा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। पहली टिप है रोल करना। अपने कपड़ों को रोल करके आप बहुत सारी जगह बचा सकते हैं, जिसमें आप काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं। पर याद रहे, ये टेक्निक सिर्फ टी शर्ट, जीन्स या लोअर्स के लिए यूज़ करें, ना कि अपनी फॉर्मल शर्ट्स और ट्राउजर्स के लिए। टिप नंबर 2 है आपके जूतों के लिए। लगेज में आपके जूते रखने का मतलब है कपड़े गंदे होने का डर रहना। इसके लिए एक बड़ी अच्छी टिप है जूतों के सोल्स को शार्क कैप से कवर करके रखना। इससे ना सिर्फ आपके कपड़े सेफ और साफ रहेंगे, बल्कि आप इन शार्क कैप्स को ईजिली चेंज कर पाएंगे। तीसरी टिप है अपने लगेज को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना। इसमें आप घर के रखे प्लास्टिक बैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या मार्केट में मिलने वाले लगेज ऑर्गेनाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लगेज को सॉर्टेड रखने में आपको बहुत हेल्प करेगा, और साथ ही साथ ट्रैवल ड्यूरेशन में गंदे कपड़ों को लगेज में अलग रखने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। जी हाँ, चौथी टिप आपको एयरलाइन के भारी भरकम एक्स्ट्रा लगेज चार्जेस से बचा सकती है। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो ट्राई टू वेयर दी हैवी स्टफ। लैपटॉप, कैमरा हाथ में ले लें एंड देन गो फॉर वेइंग। इससे बच्चे पैसों में आप बड़े आराम से एक दिन का होटल स्टे बुक कर सकते हैं। टिप नंबर 5 है कि अपने पास हमेशा एक पैकेबल छोटा बैकपैक रखें। इसके कई फायदे हैं। ट्रैवल ड्यूरेशन में ये आपके लिए बैकपैक का काम करता है, एंड वाइल रिटर्निंग बैक ये आपको एक एक्स्ट्रा बैग देता है सुविनियर्स डालने के लिए, तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। टिप नंबर 6, फ्लाइट ट्रांजिट के लिए हमेशा रेडी रहें। एक छोटा सा स्लिंग अपने पास जरूर रखें, जिसमें आपका जरूरी सामान जैसे पासपोर्ट, आईडी प्रूफ, होटल बुकिंग्स, एक दो क्रेडिट कार्ड्स, कुछ करेंसी, हेडफोन्स, चार्जर्स एक्सेट्रा आपके पास हो। इससे आपके पास वो सब कुछ होगा जिसकी आपको फ्लाइट्स की लंबी ड्यूरेशन में जरूरत होती है। टिप नंबर 7, अगर आप मेरी तरह एक वेजिटेरियन है तो देसी वेजिटेरियन खाने की याद आपको जरूर आएगी, और मुश्किल बढ़ जाती है जब साथ में बच्चे हों। तो अपने साथ कुछ रेडी टू ईट ज़रूर ले जाएं। ये आपका ओवरऑल लगेज वेट बढ़ा सकते हैं, बट देन आपको अपना मनपसंद खाना मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ट्रैवल चेकलिस्ट बना लें और टाइम टू टाइम इसे अपडेट करते रहें। हैविंग दिस मीन्स कि आप कभी कुछ भी नहीं भूलेंगे। मैं एक सैम्पल चेकलिस्ट इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, विच यू कैन ऑफ कोर्स यूज। आई होप आपको ये टिप्स अपने नेक्स्ट ट्रैवल प्लान में फायदा देंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, एंड अगर आपके पास भी कुछ टिप्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें।